सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर और यहां से करने वाले एक नई जर्नी की शुरुआत। और इस जर्नी की एक खास बात है, मैं आपको प्लेटफॉर्म पर चलने का बताऊंगा कि पैसेंजर में जर्नी का करने का क्या रीज़न है। बाकी चलिए जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि आज है राम जी आएंगे अयोध्या में और शुरुआत होने जा रही है इस जर्नी की। तो जय श्री राम, 22 जनवरी है आज, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या में, उसी की तैयारी भी चल रही है रेवाड़ी स्टेशन के बाद। आपको दिखाऊंगा, पीछे मार्केट है, अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या तैयारियां हैं वहाँ पर। भाई जश्न बहुत बढ़िया मनाया था, रात से हम लोग इधर ही हैं अभी स्टेशन पर, और ठंड भाई साहब बहुत बढ़िया है। तो देख सकते हैं स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, फॉग है, ठंड है। स्टेशन पर चलने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इस टाइम अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं रात को, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे चाय वगैरह के स्टॉल्स हैं। इस टाइम आपको चाय वगैरह कुछ मिल जाएगी। बाकी इस टाइम ये भंडारे की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज है 22 जनवरी हो चुकी है, तो राम जी आएंगे अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके लिए देख सकते हैं भंडारे की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह भंडारा प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा रेवाड़ी के बाहर, तो कुछ ऐसा है। इस टाइम भाई ठंड बहुत है, फॉग है, और चाय के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ओपन है अभी। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टेशन पे, आपको एंट्री दिखाएंगे, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और दिखाता हूँ आपकी ट्रेन, क्योंकि आज की ट्रेन हमारी चलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। चलिए चलते सीधा, हम लोग मिलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। तो पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, और आज की जर्नी होने वाली है हमारी ट्रेन नंबर 14729 रेवाड़ी फजीलका पैसेंजर में। अब चलिए आपको रीज़न बता देंगे क्या रीज़न है इस जर्नी को कवर करने का। तो देख सकते हैं सामने लगी पड़ी है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, और आपको दिखाते हैं हम लोग जो इस जर्नी का रीज़न है। खैर आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, एल्को लोकोमोटिव लगे हैं इसमें, और ट्विन एल्को लोकोमोटिव आपको दिखाते हैं, ट्विन एल्को लोकोमोटिव जो कि लखनऊ साइड के हैं दोनों। और आज हम लोग जर्नी करेंगे रेवाड़ी से लेकर हिसार तक। तो देख सकते हैं ये रहे हमारे ट्विन एल्को लोकोमोटिव। और भाई फॉग बहुत है, ठंड है यहाँ पर। बाकी चलिए आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, हम लोगों ने जो सीट्स ली हैं यहाँ पर, क्योंकि अनरिजर्व ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, तो आपको दिखाते हैं सीट्स, अब करेंगे उसके ट्रेन के डिपार्चर की शुरुआत, और इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस वाली पैसेंजर एक्सप्रेस की वेक शेयरिंग इन पैसेंजर के साथ है। बाकी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इंटीरियर पर, हमने जो सीट्स ली हैं वो दिखाते हैं आपको। अभी ट्रेन पूरी खाली पड़ी हुई है, और 4:40 पर यहाँ से डिपार्चर है ट्रेन का। तो देख सकते हैं गाड़ी की हालत आराम से। बाकी ये हमारी सीट्स पर हमारे अंकित भाई बैठे हैं सामने। तो भैया कैसी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट का मैं क्या ही बताऊं, ट्रेन की हालत देख के तौबा सारा मूड खराब हो गया। ट्रेन की हालत तो ठीक है, एल्को लोकोमोटिव देख के कैसा लगा ट्रेन? तो जो चाहत है वो तो मिलेगी बस, सही बात है। इसी के चक्कर में ये सारा प्लान बना है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बात को बोलते जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, और ये हमारे अभिनव भाई हैं। तो भाई क्या हाल चाल है आपके? तो कैसी एक्साइटमेंट है आपकी इस जर्नी को लेकर? बस वही तो यार, हम रेल फैंस का है सही में। बस अभी ट्रेन डिपार्चर लगी हो, यहाँ चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बस सारी नींद भाग जाएगी, मजा आएगा भाई जर्नी में। रेवाड़ी से दीवानी वाला जो सेक्शन है, रेवाड़ी से निकलते ही बहुत भयंकर कर रहा है, 70-80 डिग्री ऑलमोस्ट, बहुत भयंकर कर रहा है। तो भाई लेकिन अभी फॉग इतना कि जब तक डेलाइट नहीं होगी क्या ही दिखा पाएंगे, बट हाँ जितना कवर कर सकते चेकिंग साउंड जो सुनने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कोच की कंडीशन, अभी तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आराम से आप लोग सीट्स ले सकते हैं इसमें। तो भाई ये थी हमारी ट्रेन, आपको मैंने सीट्स दिखा दी हैं, तो आराम से सफ़र होगा बढ़िया। बाकी अभी तो देख सकते हैं पीछे यार फॉग बहुत ज़्यादा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरी धुंध है भाई, ठंड का कुछ कहना नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो भाई चलिए अब यहाँ से 4:40 पर जैसे आपको बताने डिपार्चर का टाइम है, मिलते हैं सीधे ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर पर। सो गाइस सामने देख सकते हैं स्टार्टअप सिग्नल तो मिल चुका है भाई, अब देखते हैं ट्रेन का डिपार्चर में, 1 मिनट का टाइम बचा। तो गाइस डिपार्चर हो गया है, बाकी चलिए अब होने जा रहा है हमारा डिपार्चर स्टार्ट। तो इसी के साथ हो गया हमारा डिपार्चर स्टार्ट रेवाड़ी जंक्शन से, जैसे क्या बोलते हैं जय माता दी जय श्री राम। तो इस जर्नी में बहुत ही प्यारी एल्को लोकोमोटिव की चेकिंग साउंड सुनाएंगे आपको। तो बाकी अभी अंधेरा है, फॉग है, तो अभी तो मैं मिनिमम चीज़ यही दिखाऊंगा आपको, थोड़ी सी चेकिंग लेंगे अभी, ट्रेन का पिकअप लेंगे, तो उसके डे लाइट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस जर्नी में, सुंदर सुंदर नज़ारे आएंगे, कर्व्स आएंगे, और ट्रेन की चेकिंग साउंड भाई साहब मज़ेदार। तो
विजिबिलिटी तो है नहीं, बट आप लोग सुनिए अब चगिंग साउंड जो कि स्टार्ट होने जा रही है, ट्रेन का पिकअप ले रहा है लोकोमोटिव अभी ट्विन एल्को। CKD यहाँ का स्टेशन कोड है चरखी दादरी स्टेशन का, और इसी के साथ डिपार्चर हमको हो गया है और डिपार्चर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा। जर्नी चल रही है भाई बढ़िया। अब क्योंकि अंधेरा है यार ज़्यादा, वो फॉग इतना है, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। बाकी जैसे ही सनराइज़ होगा डे लाइट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको मैंने अंकित भाई और अभिनव भाई से मिलवाया था, अब आपको मिलवाते हैं अवनीश और अभिषेक से, उनसे पूछते हैं कैसी चल रही जर्नी और कैसी एक्साइटमेंट है यार। तो भाई ये सामने है अभिषेक जी। नमस्कार, जय श्री राम सतगुरु। आज है 22 जनवरी, तो अयोध्या में आपको पता है श्री राम जी का मंदिर आज अपना इनॉग्रेट होने जा रहा है। तो अब पहली बात चलो ये बात करते हैं जर्नी की। जर्नी कर रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया, मज़ा तो आ रहा है। ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रही है, 4 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम, और हम लोग भिवानी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। और ये एल्को लगा हुआ है ट्वेल्थ, तो जर्नी उसके साथ तो अमेजिंग हो ही सकती है। और ये प्लान जर्नी थी मेरी, तो मज़ा आ रहा है भाइयों के साथ, वॉकिंग सुन रही होगी आपने। तो चलिए अब मिलवाते हैं अवनीश से। तो ये हमारे अवनीश भाई हैं। अवनीश भाई क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी आपने अभिषेक भैया ने बताया राम मंदिर में अपना प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। बाकी एंजॉय तो देखो हमारा भी थोड़ा कम ही हो रहा है, ठंड का चक्कर ज़्यादा है और ऐसा कुछ खास सीन नहीं मिल पा रहा, पर कोई बात नहीं, अभी सब कुछ मतलब कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कैप्चर करने के लिए। तो भैया ही बताइए इनका। जय श्री राम। जय श्री राम तो जय श्री राम है ही कह रहा है।
तो भाई भगवान की कृपा से जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है। बस अब ये है कि अगला होल्ट हमारा भिवानी आएगा, आपको मिलेंगे भिवानी के अराइवल पे। उसके जैसे ही डे लाइट होगी ना, डे लाइट में आपको काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। ट्रेन की चगिंग साउंड प्रॉपर आपको सुनाएंगे। अभी हम लोग सेकंड कोच में हैं, मैं आगे जाकर भी आपको प्रॉपर चगिंग साउंड सुनाने वाला हूँ। तो भाई ये है जी भिवानी का अराइवल आपके सामने। भिवानी से डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अब आप लोग बढ़ रहे बठिंडा लाइन, हिसार से बठिंडा कटेंगे, बट हम लोग हिसार तक ही जाएंगे, बादल का वजह नहीं जा रहे। ये है जी सामने WAP-4। यहाँ से जो आपको साउंड मिलने वाली ना, हल्को भी मज़ा आ जाएगा।
भवानी खेड़ा स्टेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। चार रेवाड़ी पैसेंजर Thank you.
गाइस हम लोग पहुंच गए हांसी रेलवे स्टेशन। दो मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा हांसी रेलवे स्टेशन से। लोगो बलेट सर ने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है।
हम लोग पहुंच रहे हैं हिसार जंक्शन। तो ये हमारी इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है। हिसार रेलवे स्टेशन पर है 6 प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे माइट विंड अराइवल हो रहा है हिसार पे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हिसार जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है HSR। ये ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी फंसी उनका की तरफ और हम लोग आज यहीं तक जर्नी कर रहे थे। तो रेवाड़ी से लेकर हिसार तक का हमारा सफ़र यहाँ पूरा हुआ। बाकी ये देख सकते हैं हमारे ट्विन एल्गो लोकोमोटिव WDM3D11252। दोनों लखनऊ शेड के लोकोमोटिव्स हैं यहाँ पर।
गाइस बाकी भाई मज़ा आ गया इस जर्नी में। यहाँ से इसका आप लेंगे ट्रेन का डिपार्चर और मिलवाऊंगा अपने साथ के दोस्तों से, उनका जर्नी एक्सपीरियंस पूछवाएंगे और उसके बाद करेंगे इस ब्लॉग को एंड। चलिए अभी मिलते हैं सीधा हमारी ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस यहाँ से जो जो लाइंस डाइवर्ट होती है हिसार जंक्शन से वो मैं स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। बाकी चलिए देखते हैं ट्रेन का यहाँ से हमारा डिपार्चर। ट्विन एल्को लोकोमोटिव भाई। तो गाइस आपको एल्को के साथ जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना यार, चकिंग साउंड और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस जर्नी का कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आगे चलिए डिपार्चर हम हो गया, अब देखते हैं ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर और उसके बाद करेंगे इस जर्नी को एंड। एल्को के हॉन्क और एल्को की चकिंग साउंड दोनों की ही अलग बात है यार, दोनों का मज़ा अलग है, बहुत ही प्यारा। ये चल रहा है जी डिपार्चर। फाइनली रेवाड़ी से लेकर हिसार तक की जर्नी यहाँ पूरी हुई और चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने साथ के दोस्तों से, उनसे पूछते हैं कैसी जर्नी रही है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। गाइस अब अंकित भाई और अभिनव भाई से पूछते हैं कैसी रही जर्नी, तो भाई आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसी रही जर्नी। जैसी सोची थी स्पीड नहीं मिली बस ज़्यादा, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, जीरो विजिबिलिटी में ट्रेन ये कैसे से 15-20 मिनट लेट लेकर आया है वो तो एलपी ही जानता है। द क्रू वाज फ्रेंडली, ट्रेन वाज फिल्थी और जो है सो यही है। भाई आप क्या करना चाहेंगे? मेरे साथ तो मतलब मेरी पहली राइड थी 3Ds के साथ और मजा आ गया कसम से, कड़ाके की सर्दी हो रही है, कड़ाके एल्को उसकी चेकिंग के साथ मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। चलो बढ़िया भाई। तो भाई अभिनव भाई और अंकित भाई को भी बहुत मजा आया जर्नी में, पूछते हैं अवनीश से कि कैसा रहा उसका सफर और उसके बाद करेंगे इस वीडियो को एंड। हाँ जी अवनीश जी, कैसी रही भाई जर्नी? भैया बहुत बढ़िया जर्नी है, मजा आया, बहुत मजा आया। एल्को की चेकिंग के बारे में कुछ कह दो यार। मजा आ गया, बचपन की याद आ गई, गांव भी जाते थे हम पहले, इन्हीं लोकोमोटिव में गांव जाते थे, हमारा हाथरस सेक्शन जो था पहले यही चलते थे। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, अगर आपने जर्नी यहां तक देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर जर्नी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना जर्नी कैसी लगी। चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी आने वाली ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।